वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम नांगा पर्वत व्यू के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं। ये बहुत ही खूबसूरत ये मकाम है। यहाँ पहुँचना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। फेरी मेडो से हमने सफ़र सुबह 6:30 बजे स्टार्ट किया था, जो तकरीबन 11:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं। तो यहाँ पहुँचने के बाद जो थकन और जो भी मसले मसाइल थे वो सारे क्लियर हो गए हैं। पर्वत जो है दुनिया की 9वीं और पाकिस्तान की 2री बड़ी चोटी है। इसकी बुलंदी 8125 मीटर है। नांगा पर्वत ज़िला द्यामर में वाकया है। इसको द माउंटेन किलर कहते हैं। ये कातिल पहाड़ इसलिए दुनिया इसको जानती है कि इसको सर करने के लिए बहुत सारे लोग मारे गए। नांगा पर्वत के साथ बहुत सारे जर्मन मुतहरिक रहे, इसलिए इसको जर्मन पहाड़ भी कहा जाता है। नांगा पर्वत पहाड़ एक तिलिस्म है जो 200 सालों से कोहपेमाओं को अपनी तरफ खींच रहा है। ये भी कहा जाता है कि नांगा पर्वत की चोटी पर बर्फ नहीं ठहरती, ये हमेशा नंगी रहती है, इसलिए इसको नांगा पर्वत कहा जाता है। ग्यारह में सबसे पहले अल्बर्ट ममड़ी ने नांगा पर्वत को सर करने की कोशिश की, मगर वो तकरीबन 7000 मीटर की बुलंदी पर पहुंचा था कि उसके साथी गिरकर मर गए, तो उसको वापस लौटना पड़ा। इसके बाद 1930 में कुछ जर्मनों ने इसको सर करने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। आखिरकार जर्मन को पेमा हरमन बोहल ने इसको सर किया, जो कि 3 जुलाई 1953 में उसने इसको सर किया और बग़ैर ऑक्सीजन के उसने इसको सर किया।
1962 को नांगा पर्वत को 3 जर्मनों ने इसे सर किया। 1970 में 2 भाइयों ने इसको सर किया, मगर वापसी पर एक भाई जो था वो मारा गया। फेरी मेडोज से जो ट्रैक है वो सारा पैदल है, जंगल के अंदर से जाना पड़ता है। बड़ा ही खूबसूरत ये रास्ता है, इसको तय करके ब्याल कैंप तक पैदल सफ़र किया जाता है। ब्याल कैंप से आगे व्यू पॉइंट, ये जो इस जगह पर हम मौजूद हैं ये है व्यू पॉइंट, और ये एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ और भी काफ़ी ज़्यादा पहाड़, बुलंदोबाला चोटियाँ नज़र आती हैं, तो यहाँ पर पहुँच कर दिल को बड़ा सुकून मिलता है और बड़े अच्छे अच्छे जो व्यू हैं वो आपको नज़र आते हैं। वीडियो को देखने के बाद इसके बारे में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। हम इस तरह की वीडियो लेकर आते रहते हैं।